अफगानिस्तान में अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला। अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकी के खिलाफ की एयर स्ट्राइक, काबुल ब्लास्ट का साजिश करता हुआ ढेर। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी करेंगे उद्घाटन। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लगे कोरोना टीके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। वैक्सीनेशन में देश ने बनाया रिकॉर्ड। कुछ देर में करनाल में शुरू होगी बीजेपी की अहम बैठक। बैठक में पंचायत और नगरपालिका चुनाव पर होगा मंथन। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने किया 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। 5 सितंबर को करेंगे महापंचायत और महारैली। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। देश में जानलेवा कोरोना का कहर जारी। देश में बीते 24 घंटे में 46,759 नए मामले सामने आए। 509 मरीजों की हुई मौत। करीब 21,374 लोग हुए रिकवर। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 21 नए मामलों की हुई पहचान। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं। कोरोना से एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। ठेका कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ झाले का मामला। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाए मिलीभगत के आरोप। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फतेहाबाद के गांव बनगांव के पास टूटी नहर। 100 एकड़ के करीब फसल हुई जलमग्न। ग्रामीण अपने स्तर पर दरार भरने की कर रहे हैं कोशिश। और कैथल में चोरों ने एक ही रात में तोड़े 5 दुकानों के ताले। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।